और ग्रामीण लक्ष्मी मासाद आलम जी, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं जो गीता पाठ से हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं। मेमोरियल, पहले तो एम एच मेमोरियल हॉस्पिटल के संस्थापक जो हैं साबिर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के सुदूर इलाके में अच्छा हॉस्पिटल उन्होंने एक दिया है, जिसमें आईसीयू की सुविधा है, इमरजेंसी की सुविधा है, पीडिटिशियन की सुविधा है, जनरल फिजिशियन की, ऑर्थो के, आई केयर, तो मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट लोग यहाँ पर डॉक्टर लोग आएंगे और हर एक तरह का इलाज होगा। और इस तरह का इलाज की यहाँ आवश्यकता थी क्योंकि रांची से हमको लगता है 30-40 किलोमीटर की दूरी पर ये है, तो इस तरह से पेशेंट जो है सो रांची नहीं जा पाते थे, उसके लिए सारा डॉक्टर ही यहाँ पर, सारे सुपर स्पेशलिस्ट यहाँ पर आ जाएंगे और इलाज अच्छा होगा। सबसे पहला चीज़ तो मैं साबिर जी को काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जैसे ये ग्रामीण क्षेत्र में जो कि चिकित्सा सुविधा के लिए काफ़ी लोग शहरों पर निर्भर थे, ये एक संस्थान खुल जाने की वजह से काफ़ी लोगों को यहाँ पे फ़ायदेमंद होगा। जैसे रात का समय हो, चाहे किसी भी तरह की इमरजेंसी आने पे तुरंत चिकित्सीय सुविधा यहाँ पे मिल पाएगी। इसलिए पहले तो मैं साबिर अनवर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत बड़ा स्वाद किया है, जो ग्रामीणों के लिए आने वाले समय में काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। और इस हॉस्पिटल में आने वाले समय में हॉस्पिटल नाम एम एच मेमोरियल हॉस्पिटल और आई केयर, तो जितना भी जनरल पेशेंट है आईसीयू की सुविधा ये सारे फ्यूचर में रहेंगे, जितने क्रिटिकल केसेस है वो हम फ्यूचर में मैनेज करेंगे, जनरल ओपीडी रहेगा, आई का ओपीडी रहेगा, सर्जरी वगैरह जो भी है आने वाले समय हम लोग करेंगे। कितने बेड का ये अस्पताल? 50 बेड का हॉस्पिटल, 10 बेड का स्टार्ट किया है। दो बेड आईसीयू के? हाँ, दो बेड आईसीयू के। और क्या ओटी की सुविधा है? ओपीडी है, जनरल ओपीडी है, फार्मेसी की सुविधा रहेगी, लैब की सुविधा है। तो क्या ये 24 आवर्स? हाँ, 24/7 रहेगा।